नर्मदे हार महाराज जी, नर्मदे हार। बाबू जी आपका शुभ नाम बोल सकते हैं? वंदेश बकुल चंद्र भट्ट। बाबू जी ये सप्तमात्र का बारे में, ये गांव का बारे में, ये क्षेत्र बारे में थोड़ा जानकारी दे सकते हैं बाबू? हाँ, ये तिलकवाड़ा गांव है, जिला नर्मदा है और यहाँ सप्तमात्र का मंदिर है। ये महाराज जी जहाँ अभी हम खड़े हैं वो तिलकवाड़ा सप्तमात्र का मंदिर, और यहाँ का महत्व ये है कि ये गौतम ऋषि और अहल्या माता का तपोस्थान है। फिर अपने पुराण में उल्लेख है कि भाई भगवान इंद्र ने कपट किया और अहल्या माता का सतीत्व भंग किया, तो गौतम ऋषि ने अहल्या माता को श्राप दिया कि तू शिला यानी पत्थर बन जाओ। तो कहते हैं जितने समय यहाँ, पहले यहाँ जंगल जैसा था, और जितने समय अहल्या माता शिला यानी पत्थर बन के रहे उतने समय यहाँ गौतम ऋषि तप किया। फिर जब श्री राम भगवान का तरस प्रस हुआ और शिला में से अहल्या माता फिर सजीवन हुए, तो श्री राम भगवान ने ये सप्त मातृओं का आह्वान किया, मतलब ये सात माता को बुलाया और बताया कि भाई अहल्या माता है, तुम उनके पति गौतम ऋषि के पास उनको पहुंचाओ। तो कहते हैं गौतम ऋषि को ढूंढते ढूंढते यहाँ आए और बताया कि भाई ये सती है, तो तुम इनका स्वीकार करो। गौतम ऋषि कहते हैं भगवान मेरे तपोबल से मैं आपको पहचान गया हूँ, आप सप्त मातृका के रूप में हैं, लेकिन मैं पहले की तरह पवित्रता से अहल्या माता का मेरी पत्नी की तरह स्वीकार करता हूँ, परंतु अपने पुराणों में जो सप्त मातृका का दिव्य रूप, दिव्य रूप यानी अस्त्र शस्त्र वाहन के साथ, तो वो रूप का सिर्फ अपने पुराणों में उल्लेख है, लेकिन कोई साक्षात वो रूप में दर्शन नहीं किया है, तो वो रूप में हमें दर्शन कराओ और सदा के लिए यहाँ विराजमान रहो। तो कहते हैं 1500 साल पुरानी स्वयंभू नर्मदा जी में से मिली हुई ये सप्त मातृका पूरे भारतवर्ष में ऐसा दर्शन कहाँ नहीं है, और जिसका अपने स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण में ये जगह का उल्लेख है। देखो ये ब्रह्मानी माता का रूप है, हंस ऊपर वाहन है, देखो पूर्ण अस्त्र शस्त्र वाहन के साथ है। ये वैष्णवी माता का रूप है, गरुड़ासन पर है, देखो हाथ की रेखा एकदम पूरा स्पष्ट है। ये महेश्वरी माता है, नंदी ऊपर है, ऋषभ कहते हैं नंदी जवारी। ये कुमारी माता है, मोर ऊपर है, देखो मयूरासन पर है। इंद्री माता है, इंद्राणी माता ऐरावत हाथी ऊपर है, देखो। ये लक्ष्मी माता का ऐसा स्वरूप है कि ये स्वरूप का आपको विश्व में कहाँ दर्शन नहीं होगा। ऋषि अवतार वाघ के मुख दिशा मुख है और कमल के फूल पर पद्मासन पर लक्ष्मी माता है, ऋषि या लक्ष्मी कहते हैं वो रूप है। ये वाराही माता है, गुजराती में वेरई माता भी कहते हैं, वारा अवतार है, ये रूप है वारा अवतार का, वो ये हमारे गुजराती में पाड़ा बोलते हैं, यमराजा का वाहन। नर्मदे हर, नर्मदे हर। एक परिक्रमावासी तिलकवाड़ा में और क्या क्या मंदिर दर्शन कर ले सकते बाप भैया? हाँ, यहाँ जी एक वासुदेवराम सरस्वती महाराज की कुटिया है, वहाँ पे हनुमान जी मंदिर है, फिर गांव में तिलकेश्वर महादेव है, फिर तिलकेश्वर महादेव से थोड़ा 4-5 मिनट जाओगे तो नर्मदा मंदिर है, और उसके आगे मणिनागेश्वर महादेव है। और इस बारे में बहुत सारा ज्ञान की बात दी है महाराज जी, आपको मैं धन्यवाद बोलता हूँ। नर्मदे नर्मदे ओम नमो नारायण।